साथियों, भारत में शिक्षा मानवता के लिए हमारे योगदान का एक माध्यम मानी जाती है। हम सीखते हैं ताकि अपने ज्ञान से मानवता का भला कर सके। आप देखिए, अभी दो दिन ही के बाद ही 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। आज भारत में योग की सैकड़ों विधाएं मौजूद है। हमारे ऋषियों ने कितना गहन शोध इसके लिए किया होगा, लेकिन किसी ने योग पर एकाधिकार नहीं बनाया। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। हमने अपने आयुर्वेद को भी पूरे विश्व के साथ साझा किया है। आज आयुर्वेद को स्वस्थ जीवन के एक स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक और उदाहरण हमारे सामने है। भारत ने सदियों तक सस्टेनेबिलिटी को एक मॉडल के रूप में जीकर दिखाया है। हम प्रगति और पर्यावरण को एक साथ लेकर चले हैं। अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पर भारत ने विश्व को मिशन लाइफ जैसा मानवीय विजन दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे मंच सुरक्षित भविष्य की उम्मीद बन रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का एक कैंपस भी इसी भावना को आगे बढ़ाता है। ये देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशंस, नेट जीरो वाटर एंड नेट जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करेगा। अप्पदीपो भव के मंत्र पर चलते हुए कैंपस पूरी मानवता को नया रास्ता